चर्चा हो जाए विटामिन बी फाइव की। विटामिन बी फाइव को पैंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। यह रासायनिक रूप से अम्ल है। इसका रंग सफ़ेद होता है, स्वाद इसका कसैला होता है और इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। यह विटामिन अम्ल, क्षार और ताप में नष्ट हो जाता है। हम अगर स्रोतों की बात करें तो इस विटामिन का जो मुख्य स्रोत है वो ईस्ट है, चावल है, मशरूम है, मूंगफली, टमाटर, दाल, अखरोट, यकृत, गुर्दा और विभिन्न प्रकार के हमारे जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, लेंटिल्स हैं, वो इसके अच्छे स्रोत हैं। इसकी जो दैनिक आवश्यकता है अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये बच्चों में 1.7 से 3 मिलीग्राम पर्याप्त होता है और अगर बड़े हैं तो उनमें 5 मिलीग्राम, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों, इतनी आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट अगर विमेन है तो 6 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है और अगर कोई लैक्टेटिंग विमेन है यानी जो अपने बच्चे को फीड कराती है तो उसको 7 mg पर डे जो है इस विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इस विटामिन के खोज की। तो इस विटामिन को सर्वप्रथम 1933 में डॉक्टर आर जे विलियम्स ने खोजा था। इस विटामिन का जो कार्य है उसकी बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में। और जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन के रूप में, चाहे कार्बोहाइड्रेट या फैट के रूप में, वो उन सब को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यह सभी पदार्थों के उपापचय में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक भी होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो शरीर में पायरुविक अम्ल का बहुत कम उपयोग होता है और इसके साथ ही साथ चर्म रोग, मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, जन्म क्षमता में कमी, इस तरह के जो है डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, हमारे पैरों में जलन है या फिर हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इस तरह के जो है लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर किसी कारण से हमने इसको ओवरडोज हमारे अंदर इसका हमने ज़्यादा ले लिया, हालांकि जितने भी वाटर सेलेबल विटामिन्स होते हैं वो उनकी अधिकता हमारे शरीर में नहीं हो पाती क्योंकि निकल जाते हैं शरीर से, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से अधिकता हो जाती है तो मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, हमारा सर दर्द है, हमें कमजोरी है और कभी कभी डायबिटीज़ मेलिटस जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।